राजस्थान में कमजोर नगरीय निकायों को फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट देने के उद्देश्य से बनाए गए राजस्थान शहरी विकास निधि RUDF को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने का प्रयास रहेगा। पूर्व में वसुंधरा राजे सरकार ने इस RUDF को बंद कर दिया था। जब दिसंबर 2018 में अशोक गहलोत सरकार सत्ता में आई तो नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस फंड को दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश की नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए ये फंड बनाया गया है। इस फंड के बनने से राज्य की कमजोर नगरीय निकायों को उनके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन आदि के नगरीय निकाय द्वारा वहन की जाने वाली हिस्सा राशि की पूर्ति भी इससे की जा सकेगी। इस फंड का गठन गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल में साल 2010 में किया गया था, लेकिन वसुंधरा राजे सरकार के आने के बाद इसे बंद कर दिया गया था।